गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार लेक्चरर डीपी गया। आज हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एमईडी थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के लिए, जो है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। इसके पहले हम लोग अभी पढ़े हैं ऑग्जिलियरी व्यू, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स क्या है, इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ेंगे ड्राइंग में, इसका हम लोग को डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, पहले इसको जानेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इसका मतलब हुआ कि इंटरसेक्ट, यानी कि कम से कम दो सॉलिड होने चाहिए जिससे कि हम उसको एक दूसरे में इंसर्ट करा सके। तो इंटरसेक्शन जो है हमारे डेली लाइफ में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, पहले उसको हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो इंटरसेक्शन जब तक हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग इसके बारे में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी नहीं जान पाएंगे। तो आज हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी एक सॉलिड में जब हम दूसरे सॉलिड को इंसर्ट कराएंगे तो हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या इंसर्ट तो कराना ही है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ये जरूरी ध्यान में रखना है कि ये लीक प्रूफ ना हो और हमेशा टाइट फिटिंग में रहे। अगर हम इसके ड्राइंग को पढ़ लेते हैं तो उसके हिसाब से हम सॉलिड को कट कर पाएंगे और दूसरे सॉलिड को उसमें इंसर्ट कराकर टाइट फिटिंग कर लीक प्रूफ बना सकते हैं। तो इंटरसेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम लोग उसको देखेंगे। जैसे मान लिए सबसे इंपॉर्टेंस डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, हमारे घरों में भी लगा हुआ होगा हैंड पंप मींस चापाकल। तो चापाकल में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। देखिए जैसे हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं हैंड पंप में, ये हमारा एक सिलेंडर हो गया, ठीक है, जिससे कि पानी यहाँ से सक करता होगा। तो पानी हमको बाहर आएगा कैसे, तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ पे इस तरह से नलकूप लगा हुआ रहेगा कि जिससे हमारा वाटर यहाँ गिरेगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो सिलेंडर था, इसमें हम यहाँ कटिंग किए होंगे तभी तो इसको हम यहाँ पे जोड़े होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पानी इधर आने के क्रम में यहाँ से लीक कर जाए, तो इस बात को भी हम लोग इंटरसेक्शन में ध्यान देंगे। यानी कि हम सिलेंडर में उतना ही ग्रुप करेंगे जितना हम ड्राइंग में देखेंगे और उसी के हिसाब से हम इसको इंसर्ट कराएंगे और यहाँ पे इसको लीक प्रूफ एंड टाइट फिटिंग बनाएंगे ड्राइंग के मेथड से। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरसेक्शन कैसे यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ये चीज हम लोग घरों में देख चुके हैं। हम लोग के घर में हैंडपंप सभी के पास लगभग होगा, ठीक है। तो हैंडपंप एक एग्जाम्पल है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स का, कि हम कैसे एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को इंसर्ट कराकर अटैच कर रहे हैं और लीक प्रूफ बना रहे हैं और टाइट फिटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि कोई आया इसको पकड़ लिया निकल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये परमानेंटली ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा था हैंड पंप, ठीक है। अब हम लोग दूसरे एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे, जैसे है हमारा इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर। तो इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर क्या होता है जो अब हम देखेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर, तो इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर क्या है, एक ये गुंबद की तरह ये होता है इस तरह से, ठीक है, चिमनी की तरह, और यहाँ से हम लोग को ये ऊपर की तरह पाइप बेंड है, ठीक है, और यहाँ से हम डस्ट को कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं तो कैसा जॉइंट है, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड है, ठीक है। यानी कि सिलेंडर में इस पार्ट को हम इंसर्ट करा के यहाँ लीक प्रूफ बनाकर टाइट फिटिंग कर दिए, तो ये भी हमारा जो है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के मेथड से ही बना है। अब हम लोग
एक गुड एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं गेहूं पिसाने के लिए जाते हैं आटा चक्की मशीन में, तो वहां पे भी जो टीन का बना होता है उसको भी हम लोग देखे हैं कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसमें गेहूं डालते हैं जो कि अटैच होता है सिलेंडर से, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इंसर्ट कराए हैं यहाँ पे, तो किसकी मेथड से इंसर्ट कराए हैं, इसको हम लोग फीडिंग हुपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखे कि डेली लाइफ में इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे लीक प्रूफ बनाएंगे, कैसे बिल्डिंग करेंगे हमारा टाइट फिटिंग हो जाए, ठीक है। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हम लोग को ड्राइंग पारना है वो किस हिसाब से पारना है उसका पहले हम सिलेबस के हिसाब से हम आपको टॉपिक पहले बता दे रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इसको ड्राइंग के मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। तो अब हम लोग विस्तृत रूप से पहले इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसको पहले देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है इसमें, उस चीज को देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो है कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस ऑफ सॉलिड इन द फॉलोइंग केसेस। अभी हम लोगों ने बात किया कि सॉलिड्स को इंसर्ट कराना है तो कौन कौन सॉलिड को इंसर्ट कराना है, तो हम लोग फॉलोइंग केसेस को देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा प्रिज्म। इसका मतलब है प्रिज्म विथ प्रिज्म कहने का मतलब है कि हम एक प्रिज्म में दूसरे प्रिज्म को कैसे इंसर्ट कराएंगे, और इस प्रकार से इंसर्ट कराएंगे कि वेन एक्सिस आर एट 90 डिग्री एंड इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब हुआ कि एक प्रिज्म में हम दूसरे प्रिज्म को इंसर्ट कराएंगे, घुसाएंगे, तो हम देखेंगे कि पहला प्रिज्म का जो एक्सिस है और दूसरे प्रिज्म जो इंसर्ट करा रहे हैं उसका जो एक्सिस है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा और एक दूसरे के 90 डिग्री होगा। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं, देखिए ये हमारा एक स्क्वायर प्रिज्म है, ये हमारा एक क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है। इस स्क्वायर प्रिज्म में एक स्क्वायर होल है, ठीक है, जिसमें हम एक दूसरे स्क्वायर प्रिज्म को घुसाएंगे। यहाँ पे हमारा एक एक्सिस होगा और ये देखिए एक दूसरा स्क्वायर प्रिज्म हम छोटा ले रहे हैं जो इसमें आसानी से इंसर्ट कर सके, इसका भी कोई एक्सिस होगा। जब हम इस इंटरसेक्ट कराएंगे इसको इस तरह से, देखिए एक सॉलिड में हम दूसरे सॉलिड को इंसर्ट करा दिए, ठीक है। तो कैसे इंसर्ट कराए इसका ड्राइंग हम लोग को बनाना है। तो ये ऐसा इंटरसेक्शन है कि इसका एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं फिर लिखे हैं इसी चीज को प्रिज्म विथ प्रिज्म। तो इसमें और इसमें हमारा क्या अंतर है, दोनों तो प्रिज्म में प्रिज्म है लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे इन दोनों का एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा था लेकिन इसमें व्हेन एक्सिस आर एट 90 डिग्री एंड ऑफसेट रहेगा। इसका मतलब है कि जब हम लोग इसको इंसर्ट कराएंगे, ठीक है, तो देखिए इंसर्ट कराएंगे तो इसका एक्सिस और इसका एक्सिस मतलब इंटरसेक्ट ना करे, थोड़ा सा दूर से जाए, तो इसलिए इसके होल को हम थोड़ा किनारे इधर से कर देंगे या इस साइड से कर देंगे। एक्सिस एक दूसरे से पास करेगा इस तरह से, देखिए ये इसका एक्सिस हुआ वर्टिकल का और ये हॉरिजॉन्टल का। तो जब हम इसको इस तरह से इंसर्ट कर इसको काट देगा तो इंटरसेक्टिंग, अगर इसको थोड़ा हम इधर से लेंगे तो ऑफसेट हो जाएगा, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन को आगे पीछे कर देंगे तो ये हमारा ऑफसेट हो जाएगा। हम लोग
आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सिलेंडर विथ सिलेंडर। सिलेंडर विथ सिलेंडर कहने का मतलब है कि एक सिलेंडर वर्टिकल होगा और दूसरा सिलेंडर हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। तो सिलेंडर में अब हम सिलेंडर को इंसर्ट कराएंगे, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। ये एक हमारा वर्टिकल सिलेंडर, ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, इसको भी हम दो टाइप से इंसर्ट कराएंगे। फर्स्ट, जब इसका एक्सिस और इसका एक्सिस, पहले तो देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी कि ये पक्का है कि दोनों एक्सिस एक दूसरे से कितना डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है। जब इसके एक्सिस और इसके एक्सिस इस प्रकार से टकराएंगे तो हमारा इंटरसेक्शन होगा, और इसको जब हम थोड़ा इधर आगे पीछे थोड़ा घिसका देंगे इस प्रकार से, या इस प्रकार से, देखिए इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑफसेट। यहाँ पे अभी हमने फिगर जो दिखा रखा है ये हमारा है इंटरसेक्टिंग का। जब इसी को हम लोग थोड़ा सा और इधर इस साइड, इधर इस साइड जब हम घिसका देंगे तो हमारा ऑफसेट हो जाएगा। सिमिलरली प्रिज्म विथ सिलेंडर, प्रिज्म विथ सिलेंडर मान लिया जाए कि ये हमारा प्रिज्म था, तो ये जो होल है हमारा स्क्वायर होल देख रहे हैं, इसी में हम सर्कुलर होल करके सिलेंडर को इंसर्ट करा दे तो हमारा तीसरा केस होगा सिलेंडर प्रिज्म विथ सिलेंडर। और सेम केस एक्सिस इंटरसेक्टिंग 90 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, फिर प्रिज्म विथ सिलेंडर का ऑफसेट का केस देखेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट टॉपिक है ये देख रहे हैं सिलेंडर विथ कोण, ये भी है सिलेंडर विथ कोण, सेम केसेस, जब एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा और जब ऑफसेट होगा। तो देखिए विद द एक्सिस इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे है विद द एक्सिस ऑफसेट, ठीक है। तो इस तरह से हम चैप्टर का सारांश देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कितने ड्राइंग पढ़ने हैं, कितने एरिया कवर करने हैं। तो हम लोग अब इसको देखते हैं कि सबसे पहला हम लोग पढ़ें प्रिज्म में प्रिज्म का इंटरसेक्शन, दूसरा सिलेंडर में सिलेंडर का इंटरसेक्शन, और तीसरा प्रिज्म में सिलेंडर का इंटरसेक्शन, और चौथा सिलेंडर विद कोण में भी। और यानी कि हम लोग टोटल चार केसेस देख रहे हैं, प्रिज्म विद सिलेंडर, प्रिज्म विद सिलेंडर और सिलेंडर विद कोण, ये चार केसेस हैं। और इन चार केसेस का हम दो दो फिगर को स्टडी करेंगे, फर्स्ट कि जब एक्सिस इंटरसेक्ट करे और दूसरा जब एक्सिस ऑफसेट केस में रहे। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, ये मेरा लेक्चर वन था। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रिज्म पे हम एक प्रॉब्लम करेंगे, जब एक्सिस इंटरसेक्टिंग होगा और एक जब एक्सिस ऑफसेट होगा। तो मान के चलते हैं कि ये हमारा 2, 4, 6, 2, 8 टॉपिक है, तो कम से कम ये लेक्चर मिलाकर 8 तो हमें पढ़ना ही होगा, 8 लेक्चर। हर लेक्चर में हम एक एक फिगर को डील करेंगे इसको, और जो हम क्लास में कराएंगे SVT में हूबहू वही क्वेश्चंस रहेंगे, हो सके थोड़ा डाटा चेंज हो सकता है तो ठीक है। मेरे वीडियो को विशेष सॉफ्टवेयर पे देखते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।